हेलो बेटा, कैसे हैं आप लोग। चलिए बेटा, आज हम लोग सोशल का बेटा चैप्टर 2 का आगे का पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। हम लोगों ने बेटा इसके पहले पढ़ा था कि किस तरीके से लैंड सरफेस चेंज होते हैं, उसके लिए क्या क्या चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती हैं। पेड़ों का काटना और न्यूक्लियर टेस्ट है, बिल्डिंग एक्टिविटीज़ है ना, पॉइजनस इन्फ्लुएंस हैं, लैंड डैम्स हैं, डंपिंग ऑफ सिटी वेस्ट है, ये सब चीज़ें हैं जो लैंड सरफेस के चेंज होने में रिस्पॉन्सिबल होती हैं। एज द रिवर फ्लोज डाउन हिल दे आर ज्वाइंड बाई द अदर स्ट्रीम्स एंड रिवर्स नोन एज ट्रिब्यूटरीज। जैसे रिवर्स नीचे की तरफ बह करके आती हैं तो क्या होता है, वो रिवर किसी मेन रिवर को ज्वाइन करती है ना, या किसी दूसरी रिवर को ज्वाइन करती है, तो उसको क्या कहते हैं, ट्रिब्यूटरी कहते हैं। ट्रिब्यूटरी का मतलब बेटा आप ऐसे समझ सकते हैं, कोई छोटी रिवर जो किसी एक बड़ी रिवर को ज्वाइन करती है वो उसकी ट्रिब्यूटरी कहलाती है, ठीक है। या ऐसे भी समझ सकते हैं, एक वर्ड में अगर एक लाइन में कहा जाए तो ट्रिब्यूटरी क्या होती है, एक ब्रांच होती है किसी मेन रिवर की। द रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज टुगेदर फॉर्म अ रिवर सिस्टम। एक छोटी नदी और उसकी कई सारी सहायक, एक मेन रिवर और उसकी कई सारी छोटी छोटी सहायक नदियाँ मिल करके क्या बनाती हैं, एक रिवर बेसिन बनाती हैं। आसपास का उसका जो एरिया होता है वो क्या कहलाता है, रिवर बेसिन। चलिए यहाँ पे डायग्राम नहीं दिया है, रिवर बेसिन। रिवर इरोड्स द आउटसाइड ऑफ इट्स कर्व्स एंड डिपॉजिट्स मटेरियल ऑन द इनसाइड। रिवर क्या करती है बेटा, जब नदी बहती है तो अपने साथ साथ क्या करती है, अपने आसपास की मिट्टी है, कंकड़ पत्थर है, सब अपने साथ बहा करके ले जाती है। दीज कर्व्स विच बिकम मोर एंड मोर प्रोनाउंस आर कॉल्ड मींडर्स। और इनको क्या कहते हैं, मींडर्स कहते हैं इन कर्व्स को। द रिवर इन फ्लैट लैंड बेयरली इरोड्स एंड स्टीट लीव्स बिहाइंड फाइन सिल्ट और एल्यूवियम। जो रिवर होती है इन फ्लैट लैंड बेयरली इरोड्स एंड स्टीट लीव्स बिहाइंड फाइन सिल्ट और एल्यूवियम। वो अपने साथ जितनी भी मिट्टी बहा करके लाती है वो अपने बेसिन, मतलब जिस जगह से वो बह करके जाती है उस जगह एक फाइन सिल्ट, जिसको हम एल्यूवियम कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, एल्यूवियम। एल्यूवियम जो नदियों के साथ बह करके आए हुए छोटी छोटी मिट्टी के पार्ट्स होते हैं उसको एल्यूवियम कहते हैं। ये बहुत ही फर्टाइल होते हैं, ठीक है। विच इन टाइम्स ऑफ फ्लड इज डिपॉजिटेड ऑन इट बैंक्स एंड सराउंडिंग प्लेन्स, दिस इज नोन एज डेल्टा। जो बाढ़ के समय नदियों के आसपास के इलाकों में जमा हो जाता है, आपने देखा होगा गीली गीली मिट्टी टाइप की, उसको डेल्टा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, वो डेल्टा जो गीला गीलापन होता है ना, जब बाढ़ कहीं पर आती है और बाढ़ आने के बाद वहाँ से पानी जब चला जाता है तो जो गीलापन होता है वो डेल्टा कहलाता है। और वो मिट्टी बहुत ही फर्टाइल होती है, वहाँ पे कोई भी खेती की जाए तो बहुत ही बेस्ट होती है, ठीक है। तो क्यों बेस्ट होती है, क्योंकि वो एल्यूवियम से बनी होती है। जो एल्यूवियम होता है आपका कहाँ से बह करके आता है, वो आपका बह करके आता है नदियों की सहायता से। डेल्टा रिसेंबल्स, डेल्टा इसको कहा जाता है बेटा, इस सिंबल को डेल्टा कहा जाता है, मतलब वो एक ट्राइंगल स्पेस बन जाता है, ट्राइंगल शेप का एरिया बन जाता है दो नदियों की वजह से, तो उसको डेल्टा कहा जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा ब्रह्मपुत्र डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन पर बनता है, पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में, ठीक है। ब्रह्मपुत्र रिवर इज़ द बिगेस्ट इन द वर्ल्ड, इसका नाम है सुंदरबन डेल्टा। द वाटर विच हैज़ फॉलन एज स्नो बिकम्स कॉम्पैक्टेड एज एन आइस फील्ड, व्हेन इट रीचेज अ सर्टेन थिकनेस इट बिगिन्स टू मूव डाउन हिल। जो पानी होता है बेटा, आपको पता ही होगा पहाड़ों पे जो नदियां हैं वो पूरे जमी जमा हो एकदम बर्फ के जैसे जमा होती हैं, ठीक है। वो धीरे धीरे पिघलती हैं, जब वो पिघलती हैं तो नीचे की तरफ उनका पानी बहता है, ठीक है। ग्लेशियर्स और फ्रोजन रिवर्स मूव स्लो एक्सट्रीमली स्लोली एंड मे बी ज्वाइन बाय अदर ग्लेशियर्स। वो धीरे धीरे बह करके नीचे आती हैं और वो किसी दूसरी रिवर को उसका पानी जो होता है वो ज्वाइन कर लेता है। मतलब जो बर्फ़ के पहाड़ होते हैं वो धीरे धीरे पिघलते रहते हैं और उसका जो पानी होता है नीचे आने के बाद किसी नदी को ज्वाइन कर लेता है। इसकी वजह से क्या होता है, उन नदियों में हमेशा पानी भरा रहता है। व्हेन दे रीच लोअर एंड वार्मर लेवल्स दे मेल्ट एंड फॉर्म होल रिवर सिस्टम। जब वो नीचे आकर के किसी नदी से मिल जाती हैं तो वो एक पूरा रिवर सिस्टम बनाता है। तो इसलिए हम लोग क्या कह सकते हैं, ग्लेशियर इज़ अ रिवर ऑफ आइस। ग्लेशियर क्या है, रिवर ऑफ आइस है विच मूव्स वेरी स्लोली डाउन हिल, जो बहुत धीरे धीरे पहाड़ों से नीचे बहता हुआ आता है। ग्लेशियर्स कैन बी फाउंड इन हाई एल्टीट्यूड्स एंड हाई लैटीट्यूड्स। ग्लेशियर्स बेटा आप यहाँ पर नहीं पाएंगे कि आप सोचें आपको यहाँ पे प्रयागराज में ग्लेशियर मिल जाए। ग्लेशियर बहुत ऊंचाई वाली जगहों पे मिलता है, जनरली पहाड़ी इलाकों पर, ठीक है। ग्लेशियर्स दो तरीके के हो सकते हैं, एक माउंटेन ग्लेशियर हो सकता है और एक कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर हो सकता है। माउंटेन ग्लेशियर क्या होता है बेटा, मूव्स डाउन फ्रॉम द माउंटेन टॉप्स अलॉन्ग द वैलीज, दे अकर इन हाई माउंटेन्स लाइक द हिमालयाज और द एल्प्स। माउंटेन ग्लेशियर जो बड़े बड़े पहाड़ों पर पाए जाते हैं या पहाड़ियों पर पाए जाते हैं, जैसे हिमालयाज या एल्प्स पहाड़ों पर जो भी ग्लेशियर्स होते हैं वो माउंटेन ग्लेशियर्स होते हैं। द रिवर ऑफ गंगा, द रिवर द गंगा एंड द यमुना ऑल्सो राइज एज अ रिजल्ट ऑफ सच मेल्टिंग ऑफ दिस माउंटेन ग्लेशियर। जो गंगा और यमुना नदी है बेटा, ये आपके माउंटेन ग्लेशियर्स के पिघलने की वजह से ही बनी हुई है। मतलब गंगा और यमुना नदी में जो पानी है वो देखिए कहाँ से आ रहा है, देखिए ये ग्लेशियर है बेटा, ये माउंटेन ग्लेशियर है। अभी जब इसका बर्फ पिघलता है तो ये गंगा रिवर में बह करके जाता है और कुछ पानी यमुना रिवर। तो गंगा और यमुना दो रिवर ऐसी हैं जो ग्लेशियर से निकली हुई हैं, इसीलिए इनमें कभी पानी सूखता नहीं है पूरा पूरा। When the ice covers a large part of an area, it is called continental glacier. जब आइस किसी जगह को कवर कर लेता है, किसी एक बड़े पार्ट को कवर कर लेता है, तो उसको continental glacier कहते हैं। चलिए अब इसके आगे का डिस्कशन हम लोग बेटा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।